हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन सर में। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 केमिस्ट्री, और आज का हमारा टॉपिक है हेनरी का नियम तथा इसके अनुप्रयोग, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आप लोगों को एग्जाम्स में 2 से 3 मार्क्स का देखने को मिलता है। क्वेश्चन आप लोगों का बनता है हेनरी का नियम क्या है तथा इसके 2 अनुप्रयोग लिखो, या क्वेश्चन ऐसा आ जाता है हेनरी का नियम क्या है इसकी 2 सीमाएं लिखो। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आप लोगों का हेनरी का नियम तथा अनुप्रयोग। हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी ने जो नियम दिया ये आप लोगों का, इन्होंने बताया कि जो किसी भी दरु के अंदर, किसी भी दरु के अंदर जो गैस की विलयता होती है, यानी कि कोई भी दरु है जैसे कि वाटर हो गया, और वाटर के अंदर में कोई गैस घोल नहीं है, ठीक है, जैसे CO2 हो गया और आप लोगों की O2 होगी, N2 होगी, हमें क्या करनी है, किसी भी दरु के अंदर यदि हमें क्या करनी है, घोलनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दाब लगाना पड़ेगा। जितना अधिक हम दाब लगाते हैं किसी भी गैस के ऊपर, वह उतनी अधिक क्या होती है, दरु के अंदर मिल जाती है। तो इस नियम के अनुसार, हेनरी के नियम के अनुसार, किसी भी दरु में गैस की विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। एक बार पुनः है, किसी भी दरु में गैस की विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, इसे हेनरी का नियम कहते हैं। अर्थात कहने का विपरीत, यदि हम किसी भी दरु के अंदर, जैसे वाटर है, पानी है, और पानी के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड घोलनी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड घोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर, गैस के ऊपर दाब लगाना पड़ेगा। उदाहरण के रूप में आप लोगों ने देखा होगा, क्या कभी आपने बचपन में क्या हुआ, यदि आपने सोडा वाटर पिया हो, तो सोडा वाटर क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, वे जो बेचते हैं ना, ठेली पर बेचते हैं, तो वे क्या करते हैं, एक मशीन लगा कर रखते हैं, और उस मशीन में क्या क्या लेते हैं, साधारण सा पानी लेते हैं, उस पानी को क्या करते हैं, बोतल में लगा के एक मशीन में लगाते हैं, और मशीन में लगाने के बाद क्या करते हैं, जो मशीन होती है उसे बहुत अच्छी तरीके से बार बार ऐसे करके क्या करते हैं, दबाते हैं। दबाने का भी परे होता कि वे क्या करते हैं, उस दरु के अंदर, पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, ठीक है, जिसके कारण उसका स्वाद होता है वो क्या हो जाता है, तीखा हो जाता है, ठीक है। और जब हम उसके अंदर नमक या कुछ भी डालते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बुलबुलों के साथ में क्या होती है, उड़ जाती है, निकल जाती है। तो देखिए हेनरी का नियम, इस नियम के अनुसार किसी दरु में गैस की विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, ठीक है ना, जहां एम समानुपाती क्या होगा, पी के, ठीक है। यदि हमें किसी भी गैस के अंदर या किसी भी दरु के अंदर गैस की विलयता बढ़ानी है, मतलब दाब बढ़ाना पड़ेगा, तो उसमें जहां पे एम दरु में गैस की विलयता, किसी भी दरु के अंदर गैस घोलनी है, तो क्या करना पड़ेगा, दाब, पी यहाँ पे आप लोगों का प्रेशर है, दाब, ठीक है। और यदि हम इस समानुपाति की चिन्ह को हटाएंगे, तो यहाँ पे एक नियतांक आ KH, KH आप लोगों का हेनरी स्थिरांक, यहाँ पे हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक अलग अलग गैसों के लिए इसका मान अलग अलग होता, यानी कि जो आप लोगों की गैस होगी इसका मान अलग अलग होता, कभी कभी पूछ लिया जाता है हेनरी स्थिरांक के बारे में, ठीक है ना। तो यदि स्थिर ताप है, ताप क्या आपके पास में, स्थिर ताप है, ठीक है ना, तो जो इसका मान होगा स्थिर ताप पर भिन्न भिन्न गैसों के लिए, भिन्न 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 गैसों के लिए भिन्न भिन्न होगा। उसके बाद यदि मैं हेनरी का नियम, हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ाना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दाब बढ़ाना पड़ेगा। दाब बढ़ने से क्या होता है, यदि हम दाब बढ़ाएंगे स्थिर ताप पर, हम क्या करते हैं, दाब क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, हेनरी स्थिरांक का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर आता हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, सोडा वाटर में यदि मैं क्या करना, सोडा वाटर या ठंडे पेय पदार्थों में CO2 की विलयता बढ़ाने के लिए बोतलों को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। जैसा आप लोग अपने घर पर क्या करते हो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल से लेकर आते हो, तो वह क्या होती है, बहुत अधिक दाब पर बंद होती है। जब क्या करते हो, आप ढक्कन खोलते हो कोल्ड ड्रिंक की बोतल का, तो क्या होता है, एकदम से गैस बहुत प्रेशर के साथ क्या होती है, बाहर निकलती है, और उसमें से क्या उठते हैं, बुलबुले उठते हैं, ठीक है। यदि आप उस बोतल को थोड़ी देर रख दोगे, रखने के बाद क्या होता है, यदि आप उसे फिर उसका, यानी कि उसे पीते हो, तो जो उसका स्वाद होता है बिल्कुल क्या हो जाता है, खत्म, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बुलबुले बनकर क्या होती है, निकल जाती है, और फिर यदि आप उसे पीते हो, तो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ साधारण पानी रह जाता है, और उसका स्वाद क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो इसलिए जितनी भी सोडा वाटर होती है, आप लोगों को बोतल खोलने के तुरंत बाद क्या हो जाए, क्या कर लेनी चाहिए, पी लेनी चाहिए। फिर अब आप लोगों का दूसरा अनुप्रयोग, दूसरे अनुप्रयोग में क्या आता है, यदि आप क्या करते हो, अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर जाते हो, तो अधिक ऊंचाई वाली जगह पर आप लोगों ने देखा होगा, जब आप चले जाते हो, तो वहां पर आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जो व्यक्ति जाता है तो उल्टी आती है, बहुत ज्यादा क्या आती है, उल्टी आती है, या कभी कभी नाक से खून भी निकल जाता है।
इसका रीजन ये होता है, जब आप क्या करते हो जैसे ऊंची जगह पर जाते हो तो जो वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब वो धीरे धीरे क्या होता है कम हो जाता है, और हमारे रक्त में जो ऑक्सीजन की मात्रा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है गैस और जो हमारा रक्त हो क्या है एक द्रव, ठीक है, और हमें सांस लेने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है अधिक ऑक्सीजन की। तो क्या होता है जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो जो वायुमंडलीय दाब होता है उसका मान कम होता है, ठीक है, और जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है ना हमारे खून के अंदर वह धीरे धीरे क्या हो जाती है कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता उल्टी आना शुरू हो जाता है या क्या होता हमारे शरीर में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है कमी आ जाती है। तो पहला अनुप्रयोग था, दूसरा है आप लोगों का, दूसरे अनुप्रयोग में लिखा है यदि अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है इसलिए इन जगहों पर रहने वाले व्यक्तियों के रक्त में ऑक्सीजन की क्या होती है कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन अधिक नहीं घुल पाती दरों में, क्योंकि जो हमारा रक्त है वो द्रव और जो ऑक्सीजन क्या है एक गैस है, और यदि ये घोलनी है तो हमें दाब क्या करना पड़ेगा अधिक करना पड़ेगा, यदि हम ऊंचाई वाले स्थानों पर चले जाएंगे तो दाब क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो यही परिणाम होता है कि उल्टियाँ आप लोगों को देखने को मिलती है, उल्टियाँ बहुत करते हैं व्यक्ति। फिर एक और इसका तीसरा अनुप्रयोग जो मैंने नहीं लिखा, तीसरा अनुप्रयोग में क्या जो गोताखोर होते हैं, ठीक है ना, यानी कि जब आप लोग क्या करते हो समुद्र में तैरते हो, तो जब समुद्र में तैरते होते हो तो जैसे जैसे वायुमंडलीय दाब क्या होता है, जब आप गहराई में जाओगे तो वायुमंडलीय दाब क्या मिलेगा आपको कम मिलेगा, और जो सतह का दाब होगा जो पानी का प्रेशर होगा जितनी आप गहराई में जाओगे जो पानी का प्रेशर होगा वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो अधिक होने के कारण क्या होता है जो ऑक्सीजन या आप लोगों की जितनी भी नाइट्रोजन होगी जो हमारे रुधिर में क्या हो रखी घुली हुई है तो वह क्या होती है बाहर निकलनी शुरू हो जाती है बुलबुले बनकर, और जिसके कारण क्या होता है हमारी मांसपेशियों में या कोशिकाओं में क्या होता है दर्द आ जाता है, दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं जितने भी गोताखोर होते हैं उनमें क्या करते हैं जो उनके टैंक होते हैं जो पीछे बांध कर रखते हैं उनमें हम हीलियम गैस भरते हैं, ठीक है, जिसमें हीलियम की मात्रा लगभग 11 से 12% होती है, फिर नाइट्रोजन भरते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा होती है उसमें लगभग 58 या 54 से 58 के आसपास, और फिर उसमें होती है ऑक्सीजन की मात्रा, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा आप लोगों को 30 से 32% देखने को मिलती है। तीन गैस का मिश्रण गोताखोर जो होते हैं उनके टैंकों में भर जाता है, पहला आप लोगों की क्या होगी इसमें हीलियम होगी, हीलियम, हीलियम के बाद इसमें होगी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद इसमें क्या होगी ऑक्सीजन। तो इन तीन गैसों को हम उनके टैंक में क्या करते हैं भरते हैं, सबसे लगभग 11% ये होती है, 54% या लगभग 58% ये होती है, और 30 से 32% लगभग हमारे पास में क्या होती है ऑक्सीजन उनके टैंकों में क्या कर दी जाती है भर दी जाती है, ठीक है ना। फिर तीन अनुप्रयोग हो गया आप लोगों का, फिर आता आप लोगों का हैंडी के नियम की सीमाएं, सीमाएं क्या होती है हैंडी का नियम। सबसे पहला ये आदर्श गैस के लिए क्या होता है मान्य, जितनी भी आदर्श गैस होती है वही हैंडी के नियम का क्या करती है पालन करती है, जो अनादर्श गैस होती है वह हैंडी के नियम का पालन नहीं करती है। उदाहरण के रूप में आप लोगों की जो आदर्श गैस होती है, आदर्श गैस में होती हो जो स्थिर ताप पर या दाब पर पूर्णतः बायोल और चार्ल्स के नियम का क्या करती है पालन करती है। एक बार पुनः आदर्श गैस वह गैस होती है जो बायल और चार्ल्स के नियम का पूर्णतः क्या करती है पालन करती है, आदर्श गैस कहलाती है। जबकि आप लोग की एक भी गैस आदर्श गैस नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं व्यावहारिक रूप से मानते हैं कि कुछ गैस क्या है आदर्श गैस है, जैसा ऑक्सीजन नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हें हम क्या करते हैं आदर्श गैस मान लेते हैं। तो ये क्या करती है सिर्फ और सिर्फ हैंडी के नियम का आदर्श गैस ही क्या करती है पालन करती है। फिर यदि हम किसी भी द्रव के अंदर गैस को घोलना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना है उसमें विलयन का जो विलयन लेते हैं जो द्रव लेते हैं उसका दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, विलयन का दाब बिल्कुल भी अधिक नहीं होना चाहिए। यदि विलयन का दाब अधिक होगा तो हम क्या करेंगे जैसे गैस उसके अंदर घोलने की कोशिश करेंगे तो विलयन का दाब बहुत ज्यादा है तो गैस को क्या कर देगा बाहर निकाल देगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ विलयन का दाब क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, ठीक है, और जिस हम बाहर से दाब लगाएंगे वो अधिक होना चाहिए। फिर आता है इसमें विलयन का ताप बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, यदि हम विलयन का ताप तो हमें ताप भी बहुत ज्यादा क्या रखना है अधिक नहीं रखना और बहुत ज्यादा कम भी नहीं रखना। हैंडी के नियम में एक खास बात है आप ताप को बहुत ज्यादा कम भी नहीं रख सकते और आप ताप को बहुत ज्यादा अधिक भी नहीं रख सकते। तो इसमें क्या करना आप लोगों को ताप को एक निश्चित मात्रा में लेना आपको स्थिर रखना। तो इसमें हम लिखते हैं इसमें विलयन का जो ताप होता है वह बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, या आप दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हो इसमें विलयन का ताप बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, इसमें हमें ताप क्या लेना होता स्थिर लेना होता। फिर आपका पॉइंट आता है गैस की विलयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई भी हम गैस ले रहे हैं उसकी जो विलयता है वो द्रव में
अधिक नहीं होने चाहिए, वरना उस पर हेनरी का नियम नहीं लगता। हेनरी का नियम जब भी लगा जब उसकी जो विलयता है वह बहुत ही ज्यादा क्या है कम हो, और हम उस पर दबाव डालने पर क्या करते हैं द्रव के अंदर से घोलते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका हेनरी का नियम है कंप्लीट हो जाता है। और सीमाएं और अनुप्रयोग, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ